हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास. मायसेल्फ सलोनी सिंह और हम करने जा रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर. यस बच्चा, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर. हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, ऑलरेडी कम्प्लीट हो गया है. तो जो भी बच्चे पहली बार ऑर्गेनिक का वीडियो इस चैनल पे देख रहे हैं वो जाकर प्लेलिस्ट के सेक्शन में हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स टाइप करिए. उस चैप्टर से रिलेटेड सारे वीडियो लेक्चर्स आपको एक जगह पे मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको कन्वर्जन्स, जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के कन्वर्जन्स हैं, वो भी आपको प्लेलिस्ट में उस चैप्टर से रिलेटेड मिल जाएगा. तो यू कैन गो एंड यू कैन स्टडी. आज से हम अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर यानी कि नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा. तो भाई काम की चीज़ ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर बच्चे को कहीं ना कहीं आप वीडियोस भी देखते हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है चीज़ों को समझने में, और इसीलिए लाइव इंटरेक्शन एक टीचर का और एक बच्चे का ज़रूरी है. तो आप चाहें तो आपके लिए स्पेशली विद्याकुल पर हमने ये दबंग सीरीज यानी दबंग बैच लॉन्च की है, और इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं. इसमें मंडे टू फ्राइडे बच्चा लाइव सेशन होता है, फ्राइडे को डाउट सेशन होता है, और जो भी पूरे हफ्ते आपने पढ़ा है आप डाउट के फॉर्म में उसमें शीट्स, प्रैक्टिस शीट्स दी जाती है, तो जो भी डाउट है आप उसमें क्लियर कर सकते हैं. साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स है वो भी वहाँ पे मिलेंगे, लाइव सेशन भी मिलेगा, आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, और एंड में आपको रिविजन भी मिलेगा सारे चैप्टर्स का ड्यूरिंग द एग्जाम. सो आई होप आप में से अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है तो आप इस दबंग बैच में एनरोल कर सकते हैं. नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहां पर जाइए, वहां पर उस लिंक को क्लिक करिए, कोर्स में एनरोल करिए. एनरोल करते वक्त कूपन कोड अप्लाई कर लीजिएगा SSPC, तो जो भी अमाउंट है उसमें 20% ऑफ हो जाएगा और आप आराम से पूरा कोर्स थ्रू आउट द ईयर एक्सेस कर सकते हैं. जो चैप्टर्स ओवर हो चुके हैं उसके आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी वहां पर मिल जाएंगे. ठीक है, तो ऑन दैट पॉजिटिव नोट लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. यस माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अल्कोहल एंड फिनॉल से. ईथर हम बाद के सेक्शन में देखेंगे. आज के सेशन में हम अल्कोहल और फिनॉल पे पूरी तरह से डिस्कशन करेंगे. कुछ भी जानने से पहले टर्म का मतलब जानना जरूरी है कि अल्कोहल क्या होता है और फिनॉल क्या होता है. अगर मेरे बताए हुए रस्ते के हिसाब से आप बोर्ड की प्रिपरेशन करते हैं, आपको 95+ स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है. यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू डू मोर एंड मोर राइटिंग प्रैक्टिस, यू हैव टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, डेफिनेटली यू विल स्कोर द बेस्टेस्ट मार्क्स पॉसिबल. ठीक है, तो ऑन दैट वेरी पॉजिटिव नोट लेट स्टार्ट टूडेज क्लास. तो भैया सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मैम अल्कोहल होता क्या है. तो भाई अल्कोहल कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सी चीज है. अगर मैं एक नॉर्मल अल्केन लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मीथेन लिया है, मीथेन में मैं अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पर OH ग्रुप अटैच कर दूं बच्चा, यानी कि एक H को हटाकर अगर वहां OH ग्रुप अटैच करेंगे तो क्या बनेगा, CH3OH, तो इसे आप अल्कोहल बोलेंगे. सिंपल है ना. ऐसे ही होता है C2H6, इसमें भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आपने OH ग्रुप अटैच कर दिया तो ये बन जाएगा आपका C2H5OH, ये भी हो गया आपका अल्कोहल. तो ऐसी स्पीशीज को आप अल्कोहल बोलते हैं. अब इस केस को हम बोलेंगे एलिफैटिक अल्कोहल. ठीक है, एलिफैटिक अल्कोहल जो चेन के अंदर है. देख लेते हैं कि एरोमेटिक अल्कोहल किसको बोलते हैं, ये देखिए ध्यान से. तो अगर आपके पास कोई भी अराइल ग्रुप है या बेंजीन रिंग है बच्चा, देखिए ध्यान से, तो बेंजीन तो आपका एरोमेटिक होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, C6H6, यानी कि हर जगह पे यहाँ पे हाइड्रोजन है. अगर मैं इन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं और इसमें से एक हाइड्रोजन की जगह आप एक OH ग्रुप अटैच कर दिए तो वही हो जाएगा आपका अराइल अल्कोहल, है ना. ये देखिए इस तरह से, ये देखिए आपका बन गया अराइल अल्कोहल, है ना. तो ये हो गया आपका अराइल अल्कोहल, या फिर आप उसे बोल सकते हैं कि उसे आप बोलेंगे फिनॉल. गेटिंग इट. तो अल्कोहल और फिनॉल में क्या डिफरेंस है. अल्कोहल में आप एक नॉर्मल अल्केन चेन के अंदर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH ग्रुप अटैच करते हैं, और वहीं पे फिनॉल के अंदर एरोमेटिक रिंग में से एक हाइड्रोजन को निकाल के वहां पे OH ग्रुप अटैच
अटैच करते हैं तो उसे अराइल अल्कोहल बोलते हैं, या फिर स्पेसिफिकली बेंजीन के केस में अगर बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप अटैच है तो उसका नामकरण क्या होता है, फिनॉल बोलते हैं उसे प्यार से। ठीक है, तो चलिए हमें अल्कोहल और फिनॉल का बेसिक तो पता चल गया, अब जरा देखते हैं बच्चों कि ये डेली लाइफ में कहाँ यूज होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा, तो आपको पता है कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप होता है बच्चा, 5 अल्कोहलिक ग्रुप्स होते हैं। बिना ग्लूकोज के आपकी लाइफ का सर्वाइवल पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो इतना बेसिक एलिमेंट, या फिर आप ग्लूकोज, सुक्रोज, कोई भी कार्बोहाइड्रेट की बात कर लीजिए, स्टार्च की बात कर लीजिए, सेल्यूलोज की बात कर लीजिए, OH ग्रुप के बिना उसका एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं है। तो ये जितने भी बायो मॉलिक्यूल्स हैं आपकी बॉडी में, या फिर आप ये पेपर देख रहे हैं, ठीक है, नोटबुक का कोई पेपर ले लीजिए, या फिर क्लॉथ देख रहे हैं, ये कपड़ा देख रहे हैं, हर चीज के अंदर अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। और ये अल्कोहलिक ग्रुप देखिए, पहले तो ये जो मैंने ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना है, इसका कलर वाइट रहा होगा, है ना। सबसे पहले तो ग्रे डिजाइन किया जाता है, यानी कि एक नॉर्मल मटेरियल, उसके ऊपर डाई चढ़ाया जाता है ना। तो भाई डाई चढ़ाने के लिए मेरे कपड़े का जो स्ट्रक्चर है वो मुझे पता होना चाहिए, तब मुझे पता चलेगा कि डाई यानी कि जो भी कलरिंग एजेंट है वो कैसे इस पर्टिकुलर कपड़े पे बाइंड होगा। और कपड़ा क्या है भाई, कपड़ा या तो सेल्यूलोज हो सकता है, या तो स्टार्च हो सकता है, यानी कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग कोई भी कंपाउंड होगा। और आपको देखना है कि भाई उसकी रिएक्टिविटी डाई के साथ कैसी है, तभी आप उसे कलर कर पाएंगे। तो हर चीज को बारीकी से समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि मान लीजिए मेरे कपड़े का जो मटेरियल है उसका केमिकल फॉर्मूले के अंदर OH ग्रुप आता है। तो भाई OH ग्रुप है, और मान लीजिए डाई के अंदर एसिडिक ग्रुप आता है, तो भाई एसिड और अल्कोहल कैसे रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोडक्ट जनरेट करते हैं, ये बेसिक केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसीलिए हमें इसे डिटेल में पढ़ना होगा। अच्छा चलिए, ये तो मैंने आपको एक एप्लीकेशन बताया, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं अपने डे टू डे लाइफ में, आप देखेंगे दुनिया भर के एप्लीकेशन है जहां पे आपको पता चलेगा कि क्यों हमें इनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी चाहिए और क्यों हमें इनका प्रिपरेशन पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक काम करते हैं, हम पहले देख लेते हैं कि अल्कोहल को क्लासिफाई कैसे करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा बच्चा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, पहला हम करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच। तो फर्स्ट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच टू अल्कोहलिक ग्रुप। करेक्ट, एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है, एकदम ऐसा बच्चा जिसने आज तक ऐसी कोई चीज पढ़ी नहीं है उसे भी समझ में आ जाएगा, इतना इजी लेवल से करवा रही हूँ। ठीक है, ये देखिए CH3OH, तो यहाँ पे कार्बन एटम से सिर्फ एक ही OH ग्रुप अटैच है, इसीलिए इसे बोलेंगे आप मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, वेरी गुड। अगर यही देख लूं मैं, यहाँ पे दो कार्बन एटम है और उन दोनों से दो OH ग्रुप अटैच है, तो इसे बोलेंगे आप डाइहाइड्रिक अल्कोहल। करेक्ट, वेरी गुड। तो भैया इस केस में CH2OH, इसका एक्चुअली नाम भी होता है, जब आप दो कार्बन एटम विद दो OH ग्रुप देखें तो इस कंपाउंड का नाम है इथिलीन ग्लाइकॉल। क्या नाम है? इथिलीन ग्लाइकॉल, याद रखिएगा ये इसका कॉमन नेम है, कहीं पे भी इथिलीन ग्लाइकॉल आए तो आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, थर्ड केस लेते हैं, इसके अंदर तीन OH ग्रुप अटैच कर देते हैं, तो ये हो गया OH, ये हो गया OH और ये हो गया OH। ठीक है, CHOH, यहाँ पे CH2OH CHOH। ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसका है बच्चा? ये तो पहले तो आपका ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। ठीक है, और अगर आपके पास तीन से ज्यादा OH ग्रुप वाला कोई कंपाउंड है तो उसे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तीन OH ग्रुप है भाई, इसका एक कॉमन नेम भी है, तो जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं ऑलमोस्ट सबके सबके अंदर ये चीज होती है, और इसका नाम है ग्लिसरॉल।
या फिर आपको इसे प्यार से बुलाना हो तो ग्लिसरीन भी बुला सकते हैं, जो यूजुअली विंटर सीजन में बहुत ही ज्यादा यूज होता है, ठीक है, स्किन को सॉफ्ट करने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप। ये एलिफैटिक के केस में देखा, यही चीज आपके एरोमेटिक के केस में भी हो सकती है। तो ये पहला, अगर फिनॉल लेते हैं तो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो गया, अगर मैं इसमें दो OH ग्रुप अटैच कर देती हूँ तो ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल हो गया, और अगर मैं इसके अंदर तीन OH ग्रुप अटैच कर देती हूँ बच्चा, तो यही चीज ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हो गई इन केस ऑफ एरोमेटिक अल्कोहल्स। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, बहुत ही सिंपल था। तो ये हमने कर लिया बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप क्लासिफिकेशन। इनका नाम क्या होगा? तो इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन, अगर आप फिनॉल को IUPAC के हिसाब से नेम करें, वैसे IUPAC ने फिनॉल को भी नेम एज अ नेम एक्सेप्ट कर लिया है, अदरवाइज इसका नाम क्या होता IUPAC के हिसाब से? OH को बोला जाता है प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी और फिर बोला जाता है बेंजीन। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, OH ग्रुप अगर 1-2 पोजीशन पे प्रेजेंट हो तो इसको कैथिकॉल बोलते हैं, कैथिकॉल, ठीक है, और आप इसे बोल सकते हैं 1-2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, करेक्ट। बहुत ही बढ़िया। लास्ट केस आप देख सकते हैं 1-2-3-4, 1, 2, 4 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, है ना, ये हो गए इनके नाम। अब हम एक काम करते हैं, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच तो आपने क्लासिफिकेशन कर लिया, आराम से मैं आपको 1-2 मिनट दे देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको लिखना है तो अच्छे से लिख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोर्स में एनरोल नहीं है तो आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए। नोट्स बनाने से यही फायदा होगा कि आपके हाथ के लिखे हुए नोट्स आपको पता चलेगा कि आपको कब और क्या चीजें याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हम कर लेते हैं क्लासिफिकेशन। चलिए ये इरेज कर लिया फटाफट, है ना, एंड नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज योर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट किया, अभी सेकेंड पार्ट, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे आप उसे कैसे क्लासिफाई करेंगे, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिए। अगर आपका कार्बन OH ग्रुप से अटैच है तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, या फिर जिस कार्बन से आपका OH ग्रुप अटैच है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, दो कंडीशन है, ठीक है। अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज है बच्चा, तो इसको आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं तीन कैटेगरी के अंदर। लेट्स चेक आउट कौन कौन सी कैटेगरी है। सो पहला यहां पर, दूसरा यहां पर बना लेते हैं, और तीसरा यहां पर बना लेते हैं, ताकि हम हर एक केस का आपको अच्छे से एग्जाम्पल दे सके, ठीक है। तो पहला हो गया अल्काइल अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल, ठीक है। दूसरा ले लीजिए बेंजाइल अल्कोहल, और तीसरा ले लीजिए अलीलिक अल्कोहल। अल्काइल अल्कोहल, अलीलिक अल्कोहल, एंड थर्ड केस ले लीजिए बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है। ये समझना बहुत जरूरी है, कोई भी नॉर्मल अल्काइल अल्कोहल की आप बात करते हैं तो आप इसको फिर से तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी, 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी, एंड 3 डिग्री यानी कि टर्शियरी। 1 डिग्री को आप कैसे बनाएंगे, आई विल शो यू हियर विद द ब्लू मार्कर। देखिए 1 डिग्री है यानी कि आपका जो OH ग्रुप अटैच है वो जिस कार्बन एटम से अटैच है वो सिर्फ एक ही कार्बन एटम से अटैच है, तो ये आपका 1 डिग्री हो गया, CH3CH2OH, ठीक है। सेकेंड केस लेते हैं, OH ग्रुप आपका जिस कार्बन एटम से अटैच है वो दो और कार्बन एटम से अटैच है, तो ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, करेक्ट, है ना, 1, 2, 3, 4, ओके। 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, लेट्स चेक कि 3 डिग्री आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, दे रहा है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं। सो 3 डिग्री अल्कोहल मैं इधर बना रही हूँ बच्चों, देखिए ध्यान से, आपका जो कार्बन एटम जिससे OH ग्रुप अटैच है वो तीन अल्काइल ग्रुप से अटैच है, तो उसे आपने 3 डिग्री अल्काइल अल्कोहल बोल दिया, समझ रहे हो, आसान है ना,
यहाँ से हमें एक चीज क्लियर हो गई, ये आपका मेन मुद्दा है, अगर ये सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप से अटैच है तो 1 डिग्री, अगर आपका ये मेन मुद्दा 2 अल्काइल ग्रुप से अटैच है तो 2 डिग्री, और आपका ये मेन मुद्दा अगर 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच है तो वो हो गया 3 डिग्री। तो हमें क्लियर हो गया कि आप अल्काइल अल्कोहल को 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में कैटेगराइज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एलीलिक अल्कोहल की तरफ। एक काम करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं ये थर्ड एग्जाम्पल इरेज कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे एलीलिक अल्कोहल के लिए थोड़ी सी स्पेस चाहिए, सो लेट्स डू इट। ठीक है, यहाँ पर देखिए एलीलिक अल्कोहल क्या होता है बच्चा, पहले वो समझिए। तो जिस कार्बन एटम के साथ OH ग्रुप अटैच है ये वो कार्बन एटम हो गया, तो ये कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, यानी चारों तरफ से सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए। तो भाई एक इधर से हाइड्रोजन, इधर से हाइड्रोजन, इधर से OH और इधर से ये जिस कार्बन एटम से अटैच है वो कार्बन डबल बॉन्डेड है आपका, तो 1, 2, 3, 4 एंड इधर से CH2। ओके, यानी कि आपका जो मेन मुद्दा है ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन विद OH ग्रुप, ये जिस कार्बन एटम से अटैच है ये कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, तब आप उसको एलीलिक अल्कोहल बोलते हैं बच्चा। और इसके अंदर भी आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कैटेगरीज बना सकते हैं। पहले तो यही समझ लो कि एलीलिक क्या होता है, क्योंकि कई जगह पे क्वेश्चन में ये डायरेक्ट तो नहीं आता है, इनडायरेक्ट फॉर्म में आता है, तो आपको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसका 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री देखते हैं। तो पहला केस तो ये मेन मुद्दा सिर्फ एक कार्बन एटम से अटैच है, तो ये वाला केस आपका 1 डिग्री हो गया। इसी में जरा 2 डिग्री एलीलिक अल्कोहल देखते हैं। OH ग्रुप जिस फर्स्ट कार्बन एटम से अटैच है वो तो सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए, तो ये CH2 हो गया। इसका नेक्स्ट वाला जो कार्बन एटम है वो डबल बॉन्डेड है, ठीक है, तो ये तो अभी तक तो हमने प्राइमरी जैसी सिचुएशन बनाई, अब हम इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं। तो यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन की जगह 1 हाइड्रोजन रखते हैं और यहाँ पे एक CH3 ग्रुप अटैच कर देते हैं, करेक्ट। तो भाई जिस कार्बन एटम से आपका OH ग्रुप अटैच है वो 2 अल्काइल ग्रुप से अटैच है, इसीलिए उसे हमने 2 डिग्री बोल दिया। अब इसी का 3 डिग्री देखते हैं। तो C, यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, ऊपर CH3 है और मान लीजिए नीचे भी CH3 है OH, तो ये कंडीशन आपकी हो गई 3 डिग्री अल्काइल एलीलिक अल्कोहल की, क्योंकि आपके तीनों साइड से, इधर से भी एक अल्काइल ग्रुप है, इधर से भी और इधर से भी, और ऊपर से ये वाला जो ग्रुप है इसकी वजह से आपने इसको एलीलिक अल्कोहल बोल दिया, वेरी गुड। अब आ जाते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल की तरफ माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। बेंजाइलिक अल्कोहल की जब आप बात करते हैं, बहुत ही सिंपल चीज बता दे रही हूँ यहाँ पे, आपके पास बेंजीन रिंग होना चाहिए, इम्पोर्टेंट। आपका जो OH ग्रुप है वो जिस कार्बन एटम से अटैच होगा, आपका जो OH ग्रुप है वो जिस कार्बन एटम से अटैच है बच्चा, वो कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, यानी चारों तरफ से सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए, करेक्ट। तो सिंगल बॉन्डेड है चारों तरफ से, ये देखो H, H और यहां से भी सिंगल बॉन्डेड है, लेकिन उसका जो एडजेसेंट कार्बन एटम है ये वाला, ये कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज है और वो एरोमेटिक रिंग का हिस्सा होना चाहिए, तब आप उसे बेंजाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। समझ आ गई बात, यानी कि इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो इस तरह से ये हो गया आपका बेंजीन रिंग, देन CH2 OH, ये हो गया आपका बेंजाइलिक अल्कोहल। यही चीज जब आप चेन में देख रहे थे तब आपने उसे एलीलिक बोला, जब आपने रिंग में देखा तब आपने इसे बेंजाइलिक बोला। अब बेंजाइलिक में भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री करते हैं, तो ये पहला 1 डिग्री है क्योंकि OH ग्रुप जिस कार्बन एटम से अटैच है वो एक ही ग्रुप से अटैच है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं इसकी। तो अगर मुझे 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल बनाना है, तो ये रहा आपका बेंजीन रिंग, ये रहा आपका कार्बन OH ग्रुप से अटैच है और इधर से मान लीजिए CH3 से अटैच है, तो ये 2 डिग्री हो गया। अगर मुझे इसी में 3 डिग्री बनाना है तो ये हो गया आपका बेंजीन रिंग बच्चा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आपका कार्बन है जिसके साथ OH ग्रुप अटैच है, ऊपर और नीचे दोनों अल्काइल ग्रुप हैं, तो आपका ये 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल हो गया। तो आई होप कि आपको क्लासिफिकेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। और अगर बहुत ही अच्छे से समझ में आया तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, हम बढ़ते हैं सेकेंड कैटेगरी की तरफ, यानी कि अगर आपका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हुआ तो उस केस में
आप कौन सी कैटेगरीज को स्टडी करते हैं, ये पूरा क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा इस केस का, sp3 हाइब्रिडाइज का। अब हम ये वाला पढ़ने जा रहे हैं, तो एक काम कर लेते हैं, ये साइड हम क्लीन कर लेते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो ले लीजिए जल्दी से, ठीक है। चलिए अब इरेज कर लेते हैं। जीने का सही रंग सीखे हम इसके से। चलिए आ जाइए नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं। इसमें आएगा अराइल एंड विनाइल, माय डियर स्टूडेंट्स। तो अराइल एंड विनाइल दो कैटेगरी है इसके अंदर, अराइल एंड विनाइल। अब इसमें भी कोई तोप वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर आप अराइल बनाना चाहते हैं तो आपके बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच है, तो OH ग्रुप जिस कार्बन एटम से अटैच है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, और ये sp2 हाइब्रिडाइज एटम रिंग का हिस्सा है, इसीलिए हमने इसे अराइल अल्कोहल बोला। और विनाइल में क्या करेंगे आप, आपका जो OH ग्रुप है वो जिस कार्बन एटम से अटैच है वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड शो कर रहा है, तो वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो 1, 2, 3 यहाँ पे H ले लीजिए और यहाँ पे CH2, तो ये बन गया आपका विनाइलिक अल्कोहल। आई होप यू आर क्लियर। इसमें भी आप 1 degree, 2 degree, 3 degree कर सकते हैं। ये हो गया विनाइल और ये हो गया अराइल, बहुत ही बढ़िया। तो इसी के साथ हम क्लासिफिकेशन को बड़ी ही जोरदार तरीके से निपटाते हुए, माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसको कर लेते हैं इरेज और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें नोमेनक्लेचर भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। अल्कोहल का नोमेनक्लेचर करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, जब आप उसका कॉमन नेम नेम कर रहे हैं बच्चों, तब आपको उसको बोलना है अल्काइल अल्कोहल, है ना। और जब आप उसका IUPAC नेम कर रहे हैं तो आपको यूज करना है अल्केनॉल। यानी कि अगर आप अल्कीन के अंदर ध्यान से देखिएगा, ये जो अल्केन लिखते हैं ना आप, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, उसमें ई को हटाकर आपको OL अटैच कर देना है, तब वो अल्कोहल बन जाएगा। समझ गए, ठीक है। और नॉर्मली इस फंक्शनल ग्रुप को हम कैसे देखते हैं, R के साथ OH अटैच हो तो हम उसे अल्कोहल बोलते हैं। क्लियर है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसकी होमोलोगस सीरीज बहुत ही सिंपल वन से। पहले इधर फॉर्मूला लिखा है, हम उसका कॉमन नेम देखेंगे और फिर हम उसका IUPAC नेम देखेंगे। सबसे पहला शुरू करते हैं, तो भाई पहला यानी कि सिंगल कार्बन एटम के साथ जो खाता खोल रहा है वो होगा मिथाइल, है ना, अल्काइल अल्कोहल। तो पहला केस हो गया आपका मिथाइल अल्कोहल, करेक्ट। इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो एल्केनॉल। वन कार्बन एटम के साथ क्या नाम हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों मीथेनॉल। वेरी गुड, फर्स्ट हो गया। सेकंड पर आ जाइए, दो कार्बन एटम है बच्चों, तो दो कार्बन एटम के हिसाब से इसका नेम क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल, करेक्ट। इथाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम हो जाएगा और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। अब जरा इन दोनों एलिमेंट्स के, दोनों कंपाउंड्स यानी दोनों अल्कोहल की खास बात बता दूं, तो ये इथेनॉल वो वाला अल्कोहल है जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है बच्चा। और यहाँ पे जो ये मीथेनॉल दिखाई दे रहा है ना, ये बहुत ही डेंजरस है। पूरे अल्कोहल की सीरीज में सबसे जो लेस मतलब डेंजरस है ना, वो इथेनॉल है। और वो भी तब लेस डेंजरस है जब आप उसे एम्प्टी स्टमक कंज्यूम ना करें। अगर आपने इसे एम्प्टी स्टमक कंज्यूम किया तो इथेनॉल भी बहुत ही ज़्यादा लेवल तक हजार्डस है, आपके लिवर को हार्म करता है, आपके स्टमक की वॉल्स को भी हार्म करता है। ये वो नॉर्मल अल्कोहल है जो मार्केट में मिलता है बच्चों, और इसको भी खाना खाने के बाद ही, वो भी वाटर के साथ एक एक्यूरेट प्रपोर्शन में यूज़ किया जाता है, बिना प्रॉपर सेंसिबल एडवाइस के आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। हाँ, मेडिसिनल पर्पज़ के लिए कफ सिरप्स के अंदर यूज़ किया जाता है, और भी बहुत सारी जगह पे सॉल्वेंट की तरह यूज़ किया जाता है, कोई भी चीज़ को घोलने के लिए पेंट इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। पर मीथेनॉल की क्या प्रॉब्लम है, अगर इन केस आपने इथेनॉल को मीथेनॉल कंसीडर करके ड्रिंक कर लिया भाई, तो जय श्री राम हो जाएगा। क्योंकि हमारी बॉडी इथेनॉल से ना बाद में इथेनॉल का इथेनॉल यानी अल्डिहाइड बना देती है हमारी बॉडी में। अल्डिहाइड को हमारी बॉडी
मेटाबोलाइज करके बॉडी के बाहर निकाल सकती है, पर मीथेनॉल यानी कि इसके एल्डिहाइडिक फॉर्म को बाहर नहीं निकाल पाती है एंड इट मे कॉज डेथ। मीथेनॉल की एक और खास बात, अगर इसके अंदर आप अपना ये जो प्यारा प्यारा इतनी सुंदर आंखें दिखाई दे रही है तो इसको अगर आईबॉल को आप डालेंगे, मीथेनॉल पूरी तरह से उसे डिसॉल्व कर देगा, इतना डेंजरस होता है। तो कीप योर आईज ऑलवेज अवे फ्रॉम मीथेनॉल। चलिए थर्ड पे आते हैं, ये है प्रोपेनॉल, है ना। तो कॉमन नेम नहीं बोल रही भाई, मैं ये IUPAC नेम बोल रही हूँ, प्रोपेनॉल या फिर प्रोपेनवेनॉल। और क्योंकि ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है बच्चा, यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं दिख रही, तो हम इसके कॉमन नेम में लिखेंगे N, फिर लिखेंगे तीन कार्बन एटम के लिए प्रोपाइल, और फिर लिखेंगे अल्कोहल। वेरी गुड, सिंपल, ओके। नेक्स्ट केस देखते हैं, अगर मैं इसी का आइसोमर बनाऊं, यानी कि इसका आइसो कंडीशन बनाऊं, तो पहले आपको पता होना चाहिए आइसो कंडीशन क्या होती है। भाई जब आप इस कार्बन एटम की बात कर रहे हैं, इससे दो सिमिलर ग्रुप अटैच है, CH3 इधर से भी इधर से भी, तो ये आइसो कंडीशन हो गई। आइसो यानी सेम, कार्बन एटम से दो मिथाइल ग्रुप अटैच है और दोनों सेम है, इसीलिए हम इसे बोल सकते हैं आइसो। कितने कार्बन एटम है टोटल, 1, 2, 3, सो आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, ये इसका कॉमन नेम हो गया। और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, तो आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी होती है बच्चों। तो भैया इधर CH3 है, CH3 OH, ठीक है, इसको वापस लिखना पड़ा मुझे, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये वाला है, सेकेंड पोजिशन पे OH ग्रुप है बच्चा, तो ये हो गया आपका सेकेंड पोजिशन। क्या नेम करेंगे आप इसको, तो भाई तीन कार्बन एटम के हिसाब से हमारा प्रोपेन होता है नेम, प्रोपेन। सेकेंड पोजिशन पे OH ग्रुप है तो टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल लिख सकते हैं या टू प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये देखिए कितने कार्बन एटम है इसमें, 1, 2, 3, 4, चार कार्बन एटम है, तो इसको आप बोलेंगे ब्यूटेनॉल, करेक्ट, या फिर ब्यूटेन वन ऑल। और इसको नॉर्मल कॉमन नेम में इसका कॉमन नेम क्या होगा, क्योंकि स्ट्रेट चेन है, इसके आइसोमर्स पॉसिबल है, इसीलिए हम N लगाते हैं, N ब्यूटाइल अल्कोहल, करेक्ट। ये तो बहुत ही सिंपल वाले लिए हमने, अब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वाले लेते हैं, चलिए देखते हैं ध्यान से। चलिए बच्चों, तो तीन और स्ट्रक्चर देखते हैं, बहुत ही खास ये तीन स्ट्रक्चर इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे आपको आइसो नियो सेकेंडरी और टर्ट में डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए जो सेकेंड कार्बन एटम है इससे दो सिमिलर ग्रुप अटैच है, दो सिमिलर मिथाइल ग्रुप अटैच है, ये देखिए 1 और 2, तो ये कंडीशन कौन सी हो गई, आइसो हुई ना, ठीक है। तो आइसो हुई और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है, तो आप इसे बोल देंगे आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, करेक्ट, है ना। और इसका IUPAC क्या हो जाएगा, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज कर लीजिए इस केस में, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा होगा बच्चा, ये वाला होगा जिसके अंदर आपका फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, ठीक है। और इसका ये फर्स्ट कार्बन एटम और ये सेकेंड कार्बन एटम, सेकेंड कार्बन एटम पे मिथाइल ग्रुप है, तो आप इसे क्या नेम करेंगे, 2-methyl, एंड देन स्ट्रेट चेन जाइए तो 2-methyl प्रोपेन वन ऑल, करेक्ट, ये हो गया इसका नेम, IUPAC नेम। अब सेकेंड केस पे आते हैं, ध्यान से देखिए ये वाला, यहाँ पे ये जो आपका OH ग्रुप है, ये जिस कार्बन एटम से अटैच है बच्चा, वो 3 डिफरेंट कार्बन एटम से अटैच है, देख रहे हो, ये वाला कार्बन एटम जो OH ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है, ये 3 अलग अलग ग्रुप से अटैच है, अलग अलग नहीं मतलब सेम ही है, लेकिन तीन ग्रुप से अटैच है, और इसीलिए इस कंडीशन को हम बोलेंगे टर्शियरी, टर्ट, चार कार्बन एटम है तो हम उसे बोलेंगे टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, करेक्ट। और इसका IUPAC क्या लेंगे आप, बहुत ही आसान है, तो ये ले लीजिए अपना स्ट्रेट चेन, ठीक है, 3 कार्बन एटम वाला स्ट्रेट चेन, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, और इसके सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है एंड OH ग्रुप है, तो इसे नेम कर लेते हैं 2-methyl प्रोपेन 2 ऑल, करेक्ट, आसान था, है ना। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बच्चा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे
आगे बढ़ते हैं और ये वाला केस डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका OH ग्रुप जिस कार्बन एटम से अटैच है वो दो डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, वो दो डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, इसीलिए हम इस कंडीशन को बोलेंगे सेकेंडरी। समझ रहे हो? तो इसको ठीक है, तो इसे बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। वेरी गुड। अच्छा अब देख लेते हैं इसका IUPAC नेम क्या होगा। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल तो आपको क्लियर है, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल भी आपको क्लियर है। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल का नाम क्या हो जाएगा? तो ये स्ट्रेट चेन हो जाएगा, ये सेकेंड पोजिशन, तो आप बोलेंगे ब्यूटेन टू ऑल। सिंपल इजी, बहुत ही इजी। आइसो पता चल गया, टर्ट पता चल गया, सेकेंडरी पता चल गया। नियो क्या होता भाई? तो नियो ऐसा केस होता, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ भाई। ये अगर आपका कार्बन एटम है, इधर CH3 है, इधर CH3 है, इधर CH3 है, फिर CH2OH होता तो इसको आप नियो कंडीशन बोलते। क्यों नियो बोलते? क्योंकि आपके सेकेंड पोजिशन पे दो मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। और OH देखो ये वाले केस में और ये वाले केस में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पर OH जिस कार्बन एटम से लिंक है वो डायरेक्टली तीन कार्बन एटम से लिंक है, यहाँ पे OH जिस कार्बन एटम से लिंक है वो सिर्फ एक ही कार्बन एटम से लिंक है, और ये नेक्स्ट वाला कार्बन दो अलग अलग ग्रुप से लिंक है। तो इस कंडीशन को आप बोलोगे नियो 1, 2, 3, 4, 5 पेंटाइल अल्कोहल, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर नियो पेंटाइल अल्कोहल किसको बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ कॉमन स्ट्रक्चर्स बनाती हूँ उसका हम नोमेनक्लेचर देखेंगे, एरोमेटिक का नोमेनक्लेचर देखेंगे और फिर आज का वीडियो हम खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चा तो देख लेते हैं कुछ इंडेक्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है, मैं आपके लिए एकदम सिंपल कर दूंगी, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। फर्स्ट केस से स्टार्ट करते हैं। ये आपका फंक्शनल ग्रुप है और इसको कंसीडर करते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंसीडर करें तो ये वाला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा। ये आपका पहला कार्बन एटम, ये दूसरा, ये तीसरा। सेकेंड पोजीशन पे आपके पास दो मिथाइल ग्रुप है तो नाम क्या हो जाएगा? 2, 2, क्योंकि दो मिथाइल ग्रुप है तो डाई मिथाइल एंड देन यू विल राइट मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो प्रोपेन वन ऑल, करेक्ट है ना। फर्स्ट पोजीशन पे OH ग्रुप है तो प्रोपेन वन ऑल, सिंपल था, बहुत ही आसान था। सेकंड केस पे आ जाते हैं, ये NCERT का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल है, आसान है, समझ जाएंगे। ध्यान से देखिए इसमें सबसे बेसिक चीज पहले ये ढूंढिए कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा है। तो देखने जाए तो हमारे फंक्शनल ग्रुप को कंसीडर करते हुए कार्बन नंबर एटम 1, 2, 3, 4, 5 ये आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। अगर आप इधर से जाते हैं तो 1, 2, 3, 4 ही होता है, 1, 2, 3, 4 ही होता है, ठीक है। तो किसी भी डायरेक्शन में जाए तो 4 हो रहा है, यानी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपका ये वाला हो गया बच्चा। अच्छा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको पता चल गया है तो ये फर्स्ट कार्बन एटम, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है। अब इसको प्रीफिक्स में आप क्या बोलेंगे? अगर थर्ड पोजिशन पे CH2Cl ग्रुप अटैच है तो इसे हम बोलते हैं क्लोरोमिथाइल, ठीक है, 3-chloromethyl लिख लिया आपने, वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखिए, क्योंकि ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में सी पहले आता था इसलिए हमने थर्ड पोजीशन को पहले मेंशन किया है, पर इसके साथ साथ ब्रांच फॉर्म में ये वाला ग्रुप भी है, ठीक है। अब इस ग्रुप को नेम करने के लिए या तो आप आइसोप्रोपाइल बोल दीजिए या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, आप सेकेंड कार्बन एटम पे यहाँ पे 2 पोजिशन लिख लीजिए, आप ब्रैकेट बना लीजिए, सेकेंड पोजीशन से जो फर्स्ट कार्बन एटम अटैच है उसको नंबर 1 नेम कर दीजिए, इसको नंबर 2 नेम कर दीजिए, ठीक है। तो इसको अलग से ब्रांच के फॉर्म में हम काउंट करेंगे, ब्रांचिंग के अंदर ब्रांचिंग। तो सेकेंड पे ये वाला चेन है, इसको बोलेंगे आप इथाइल, और इथाइल के फर्स्ट पोजीशन पे अटैच है मिथाइल तो इसको आप बोलेंगे 2, 1 मिथाइल, ये 1 मिथाइल हो गया, देन दिस इज नोन एज इथाइल, करेक्ट। तो 1-methyl-ethyl एंड फिर आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 पेंटेन वन ऑल, पेंटेन वन ऑल, सिंपल था, क्या किया आपने, है ना। पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में थर्ड पोजीशन वाले को नेम कर लिया, प्रायोरिटी किसकी होती है जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करिए। सेकेंड अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो ब्रांचिंग होती है उसके हिसाब से जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है उसको पहले नंबर करके पहले पोजीशन दे दीजिए,
पहले नंबर नहीं कर सकते पर पहले उसको पोजीशन जरूर दीजिए, ठीक है। और थर्ड केस में ब्रांचिंग को आपने इस तरह से नोमेनक्लेचर किया, ब्रांच के अंदर भी नंबरिंग करके उसको नेम किया है, तो बहुत ही आसान था। अब नेक्स्ट केस पर आ जाइए, ये वाले सेकंड वाले क्वेश्चन पे। तो भाई इसके अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो ये वाला दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स कार्बन एटम, ठीक है। तो हमारे पास कितने मिथाइल ग्रुप ब्रांच में है, ये पहला और ये दूसरा, और हमारे पास दो OH ग्रुप है, करेक्ट है ना। तो हम क्या करेंगे, हम पहले मिथाइल ग्रुप को नेम कर लेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर में, वो पहले आते हैं। तो 2.5 डाइमिथाइल, देन टोटल 6 कार्बन एटम, तो हेक्सेन, देन फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप है, तो हेक्सेन 1.3 डाई ऑल, क्योंकि OH ग्रुप दो बार है, समझ गए। जो भी चीज दो बार होती है उसके आगे डाई लगता है, तीन बार होगी तो ट्राई लगेगा, ये आपके प्रीफिक्सेस आपको ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट केस पर आ जाते हैं, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये रहा, इसमें ये फर्स्ट कार्बन एटम सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, इस साइड से नंबरिंग क्यों नहीं की, क्योंकि दोनों फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड और OH दोनों इस साइड से पहले आ रहे हैं, इसीलिए हम इस साइड से गए। तो सिक्स है तो आप इसे लिखेंगे हेक्स, ठीक है। हेक्स के बाद फर्स्ट पोजीशन पे ENE ग्रुप है, यानी कि डबल बॉन्ड है, हेक्स वन ईन, और थर्ड पोजीशन पे ऑल ग्रुप है, तो हेक्स वन ईन थ्री ऑल, ये हो गया आपका इसका नोमेनक्लेचर, सिंपल था, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, ये देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है। तो ये रहा आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये फर्स्ट कार्बन एटम सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, जिधर आपका OH ग्रुप पहले अटैच है वो आपका फर्स्ट कार्बन एटम हो गया। अब जरा इसको ध्यान से देखेंगे आप, तो भाई Br भी अटैच है ब्रांचिंग में और CH3 भी अटैच है, लेकिन Br अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है, तो नाम क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, सेकेंड पोजीशन पे होगा, तो 2 ब्रोमो, देन वी हैव 3 मिथाइल, देन 4 कार्बन एटम है, तो ब्यूट, ब्यूट में सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 2 ईन, एंड फर्स्ट पोजीशन पे OH ग्रुप है, तो 1 ऑल, ठीक है। ये हो जाएगा इसका नेम बच्चों, आसान था ये भी, है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया है, अब आ जाते हैं इस केस पर। ये देखिए, जहां पे आपका OH ग्रुप पहले है तो वो फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स हो गया। बच्चा ये बेंजीन रिंग नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है और साइक्लोहेक्सेनॉल है, और साइक्लोहेक्सेनॉल के थर्ड पोजीशन पे Br ग्रुप है, तो आप इसे बोलोगे 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल, करेक्ट, वेरी गुड। इन द सेम वे ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल साइक्लोहेक्सेनॉल है, ये हो जाएगा थर्ड पोजीशन, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, करेक्ट, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, वेरी गुड। अच्छा ये केस देखते हैं भाई, यहाँ तो Br लगाया है मैंने, OH लगाइए और यहाँ पे Br लगा दीजिए, तो ये हो गया 2 ब्रोमो साइक्लोपेंटेनॉल, ठीक है, साइक्लोपेंटेनॉल हो गया, काम खत्म, ठीक है। तो इसी तरह से आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, मोस्टली मैंने सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अब कुछ एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स भी देख लेते हैं ताकि आपको एरोमेटिक का भी नेमिंग आ जाए। चलिए देख लेते हैं बच्चों कुछ एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स, इनको भी कैसे नेम करते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं ये रहा, तो भाई यहाँ पे आपके पास CH3 एंड OH ग्रुप है, ये आपका फर्स्ट होगा, सेकेंड होगा, थर्ड होगा, तो आप इसे लिखेंगे 3 मिथाइल फिनॉल, सिंपल है ना, बेंजीन विथ OH ग्रुप फिनॉल बोलते हैं, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है तो 3 मिथाइल फिनॉल, इसको क्या बोलेंगे, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, सेकेंड और सिक्स पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, तो 2.6 डाई मिथाइल फिनॉल, करेक्ट है ना, आसान था, बहुत ही आसान था मैम, है ना, है ना, वेरी गुड। चलिए यहाँ पर देखिए, ये OH फर्स्ट है, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, तो 2 क्लोरो, देन वी हैव 4 मिथाइल फिनॉल, है ना, बहुत ही बढ़िया, ये भी आसान था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं भाई, ये देखिए, तो इसको बोल सकते हैं 1,2 या फिर 2 हाइड्रोक्सी फिनॉल बोल लीजिए, या बेंजीन 1,2 डायोल बोल लीजिए, ठीक है।
सो बेंजीन 1.2 डाईऑल, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसके पास अपना खुद का एक कॉमन नेम भी है और इसे बोला जाता है कैटेकॉल। कैटेकॉल ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, कैटेकॉल। वैसे ही ये वाला है 1, 2, 3, इसका कॉमन नेम है रिसॉर्सिनॉल। ये कुछ कॉमन नेम्स अच्छे इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाते हैं नेम के बेसिस पर, तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। और ये 1, 2, 3, 4 ये हो गया आपका क्विनॉल, ठीक है, क्विनॉल। बहुत ही बढ़िया, इसको नेम कैसे करेंगे, तो बेंजीन 1,3 डायोल, है ना, बेंजीन 1,3 डायोल, या फिर बेंजीन 1,4 डायोल, बेंजीन 1,4 डायोल, वेरी गुड। ये वाला केस देखिए, फर्स्ट कार्बन आइटम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, 2,4,6 तीन बार NO2 ग्रुप है, तो ट्राई नाइट्रो एंड देन वी हैव ट्राई नाइट्रो फिनॉल। भाई इसका कॉमन नेम बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसको बोला जाता है पिक्रिक एसिड। कौन सा एसिड बोला जाता है, पिक्रिक एसिड। ये येलो कलर का एसिड होता है लिक्विड स्टेट में, और अगर सॉलिड स्टेट में होते तो येलो कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, और ये एक्सप्लोजिव्स बनाने में यूज होते हैं बच्चा। तो इसी के साथ, यस माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने अल्कोहल और फिनॉल का नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन निपटा दिया है। आप भी बैठ के घर पे और भी ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू, बाय बाय।